बांग्लादेश में हिंसा भयावह हो चुकी है। बांग्लादेश से अब जो वीडियो सामने आ रही है वो आंखें झुका देने वाली है। लोग इस तरह से निचले स्तर की हरकतें करने पर उतर आए हैं, जिससे बांग्लादेश की अब पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। बांग्लादेशियों ने वाकई में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तब भी शायद आप यही कहेंगे कि बेशर्मी की हद हो गई। ये देखिए, बांग्लादेश में ये उपद्रवी हाथ में महिलाओं की ब्रा लेकर नाचते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर ब्रा को लहरा रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रदर्शनकारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हाथ में ब्रा लेकर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई जीत हासिल हो गई हो। इस वीडियो से पता चलता है कि इन प्रदर्शनकारियों की सोच महिलाओं के प्रति क्या है। आप देख सकते हैं कि कई प्रदर्शनकारी ब्रा हाथों में लिए जश्न मना रहे हैं। जो भी इस वायरल वीडियो को देख रहा है वो खुद से यही सवाल कर रहा है कि क्या ये वाकई बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्र हैं? वीडियो वाकई में समाज के लिए हानिकारक है कि अब प्रदर्शनों का स्तर इतना गिर चुका है कि ऐसे प्रदर्शनों में अब हमें ये तस्वीरें सामने देखने को मिलेंगी। मुक्ति संग्राम में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरियों में 30% की छूट दी जा रही थी। छात्रों की मांग थी कि इसे खत्म किया जाए। छात्रों की मांग पर इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे बहाल कर दिया, जिसके बाद विरोध तेज हो गया। प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और इसे 30% से घटाकर 5% कर दिया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी रुके नहीं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोध हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि ये शेख हसीना की आवामी लीग के सदस्यों के पक्ष में है और इसकी जगह योग्यता आधारित प्रणाली की मांग की। जैसे ही सरकार ने कार्रवाई की ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दी। ये प्रदर्शन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सेनानियों को मिल रहे 30% आरक्षण के खिलाफ हो रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।